को परफेक्ट करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए, 90% को अचीव करने के लिए यू नीड वेरियस रिसोर्सेज लाइक बुक्स. ओके, यू नीड वेरियस रिसोर्सेज लाइक बुक, टीचर्स, नोट्स, क्वेश्चंस, यू हैव टू मैनेज योर टाइम. तो इसमें आप देखेंगे कि जो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है इसमें हम रिसोर्सेज के कलेक्शन पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव. तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हम कुछ अलग नहीं कर रहे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू कलेक्ट द रिसोर्सेज सो दैट वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव. नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. Organizing as a function of management is responsible for successful implementation of plan to accomplish business objective. Organizing is a function in which we arrange our physical, human resources as well as material resources so that we can achieve our objective. तो organizing chapter में company का जो basic focus रहता है वो इस बात पे रहता है कि वो अपनी physical, human resources और मटेरियल रिसोर्सेज को कलेक्ट करें जिससे कि फाइनली जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको टाइमली अचीव किया जा सके. ये आप देख सकते होंगे स्लाइड में. नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. यू कैन सी इन द डेफिनेशन ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग. ध्यान दीजिएगा इन वर्ड्स पे, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडेंटिफाइंग, grouping different activities in the organization and bringing together physical, financial and human resources to accomplish the most productive relation for the achievement of specific objectives of the organization. So, aapne isme kuch terms dekhi hongi, identifying, then you have seen the term grouping. So, जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या क्या एक्टिविटी करनी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल में फेयरवेल ऑर्गेनाइज होती है, तो जब हम फेयरवेल ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि क्या क्या आपको एक्टिविटी करनी है, क्या क्या काम करने हैं, उसके बाद हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं. ठीक है, ग्रुपिंग करने के बाद हम देखते हैं कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, कौन किसका सुपीरियर होगा. तो सेम कॉन्सेप्ट कंपनी पे भी अप्लाई होता है. कंपनी भी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करती है कि उसको क्या क्या काम करना है, उसके बाद जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज हैं उनकी ग्रुपिंग की जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन किसका सुपीरियर होगा, किसकी रिपोर्टिंग किसको होगी. ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं. ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर और एज अ प्रोसेस. तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस. जब हम ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो टर्म आएगी ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर जॉब्स एंड ईच जॉब इज असाइंड टू इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन. इट रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन. तो सबसे पहले जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमें काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो छोटे छोटे पार्ट्स हम अलग अलग इंडिविजुअल को असाइन करते हैं, और जब वो इंडिविजुअल रेगुलरली उस काम को करते हैं तो दे बिकम परफेक्ट, दे बिकेम स्पेशलाइज इन डूइंग दैट जॉब. दैट यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. ये अलग अलग सब अपना काम करें, जैसे आप देखेंगे इंस्पेक्शन, पेंटिंग, साइडिंग, फ्रेमिंग, शिपिंग. तो डिवीजन ऑफ वर्क में काम बेसिकली डिवाइड किया जाता है जिससे कि हर इंडिविजुअल अपने काम को करने में परफेक्ट हो जाए. इसके बाद डिपार्टमेंटाइजेशन. जो सिमिलर नेचर की जॉब्स हैं, सिमिलर नेचर के काम हैं, उनके डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं. ठीक है, डिपार्टमेंट क्रिएट करने का क्या मतलब है कि अब जो मनी से रिलेटेड काम है उसके लिए वो सारा काम फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा, एक डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा. इसी तरह मार्केटिंग से रिलेटेड जो काम है, सेल्स से जो रिलेटेड काम है, उसके लिए मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट बना लिए जाएंगे. तो डिपार्टमेंटाइजेशन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ जॉब. वंस द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटी, देन दोज एक्टिविटी विच आर सिमिलर इन नेचर
are grouped together and put under one department. The grouping may be done on the basis of functions, product, customer, etc. यहाँ पे आप देख सकते हैं CEO है, different different departments बनाए गए हैं, marketing, तो marketing से related जितना काम है उसके लिए हमने एक ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. इसी तरह प्रोडक्शन का जो काम है उसके लिए हमने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. एचआर रिलेटेड जो काम है उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना लिया. तो जब काम आइडेंटिफाई हो जाता है उसके बाद जो सिमिलर नेचर का काम है उसकी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं. ठीक है, ग्रुपिंग करने से क्या बनते हैं, डिपार्टमेंट्स बनते हैं. तो आपने सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर लिया और उसके बाद उस काम का ग्रुप करके आपने क्या क्रिएट कर दिए, डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बाद थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी. अब देखिए डिपार्टमेंट जब बन गए हैं तो डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लोग काम करेंगे. ठीक है, तो जो भी लोग काम करेंगे बेसिकली जब हम स्टाफ की बात करते हैं तो उसको तो हम स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बेसिकली हम डिपार्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट है जब उसमें वर्क का एलोकेशन होगा, जॉब का एलोकेशन होगा, तो हर डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ जॉब्स असाइन की जाएंगी जो कि उनको बेस्ट सूट करेंगी, जो बेस्ट फिट होंगी, जिससे वो ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएं. तो थर्ड स्टेप क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी. जो डिपार्टमेंट हमने बनाए हैं we will give work according to their skills and qualification, we will assign them some duties. Then the last step in the process is establishing authority relationship. Establishing authority relationship ka matlab hai ki jo bhi superior hai ya jo bhi subordinate hai un sabko pata hoga ki wo kisko answerable hai. Means ek relationship banayi jayegi company mein jisse ki each individual should know from whom he has to receive order and to whom he is responsible. या पिक्चर में भी देख सकते हैं, A जो है वो B को, B superior है उसका, B का superior 3 है, 3 का superior 4 है और 4 का superior 5 है. तो establishing reporting relationship में basically हर एक को पता लगेगा कि who is my superior and who is my junior, जिससे कि आगे चल के कोई भी problem ना आए, कोई भी confusion हो तो A जो है वो बी के पास जाएगा, बी सी के पास जाएगा, सी डी के पास जाएगा एंड डी ई के पास जाएगा. तो जब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनती है तो एवरीवन शुड नो दैट हु इज हिज सुपीरियर एंड हु इज हिज सबऑर्डिनेट. तो ये चार स्टेप्स हैं जो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को डिफाइन करते हैं. अब नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजिंग को हम एज अ स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं. जब हम ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क. स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क. तो किसी भी जो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है वो उसका फ्रेमवर्क को शो करता है. फ्रेमवर्क मींस जो भी जॉब पोजीशंस होंगी, ठीक है, स्ट्रक्चर कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब्स. तो कंपनी में जितनी भी जॉब्स हैं, जो भी पोजीशंस रहेंगी वो कंपनी के स्ट्रक्चर में शो होंगी. नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, इसके अंडर अकाउंटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर के अंडर एडवर्टाइजिंग सेल्स सुपीरियर, सेल्स स्टाफ है. एचआर मैनेजर के अंडर नोट टेकर सुपरवाइजर्स हैं, कॉपियर सुपरवाइजर्स हैं. तो ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो हमें बेसिकली उसमें पढ़ना है रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन. तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ऑर्गेनाइजिंग को हमने दो तरीके से पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर. नाउ वी कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज बेनिफिट ऑफ डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन. बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन मीन्स आपने देखा कि ऑर्गेनाइजिंग में वी डिवाइड द वर्क अमंग वेरियस पीपल. जब वो लगातार उस काम को करेंगे, जब हमने काम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एक तरीके का काम दे दिया तो जब वो उस काम को बार बार रिपीट करेगा तो वो उस काम को करने में स्पेशलाइज्ड
हो जाएगा. यू कैन सी इन द पिक्चर एवरी जॉब इज असाइन टू द राइट पर्सन. तो जब राइट पर्सन को जॉब असाइन की जाएगी और जब वो रेगुलरली उस काम को करेगा तो दैट पर्सन विल बिकम स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दैट जॉब. तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो क्या है ऑर्गेनाइजिंग का, कि इससे हमें स्पेशलाइज्ड लोग मिलते हैं. नेक्स्ट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजिंग का जब हम प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें हम रिलेशनशिप बताते हैं कि हु इज हिज सुपीरियर एंड हु इज द सबॉर्डिनेट, कि कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा. तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनको ये पता लगेगा कि मेरा सुपीरियर कौन है और मैं किसका सुपीरियर हूँ, मेरा सुपीरियर कौन है. और इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन देयर विल बी नो प्रॉब्लम. जब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है ये आपका बना हुआ है, इसमें हायरार्किकल ऑर्डर बना हुआ है और जो इंडिविजुअल है, सब इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे जो इंडिविजुअल है इनको पता है ये हमारे सुपीरियर है, ये हमारे सुपीरियर है, तो इनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी काम करने में. जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगी देन दे गो टू देयर सुपीरियर. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा रिसोर्सेज का, बिकॉज द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड ऑल्सो मेक पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपका होगा जिससे कि हमें पता है सबको हमने सही काम दे रखा है तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा. जिस डिपार्टमेंट को जो काम करना है वो उस काम को अच्छे से कर पाएगा तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी. अडेप्टेशन टू चेंज. जो ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर बनता है वो फ्लेक्सिबल होता है और इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट. आपने देखा होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट टॉपिक जब आपने पढ़ा होगा तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो लगातार चेंज होता रहता है ड्यू टू एनी पॉलिटिकल रीजंस, टेक्नोलॉजिकल रीजन. तो ऑर्गेनाइजिंग जो स्ट्रक्चर है दैट इज फ्लेक्सिबल, इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट. नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन करने से एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली हो पाता है. कैसे, हर पर्सन को ये पता है कि मुझे क्या काम करना है, हर डिपार्टमेंट को ये पता है कि मुझे क्या काम करना है. तो ऐसे में जो मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो पूरी कंपनी को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर पाए, क्योंकि एवरी पर्सन नोज व्हाट इज हिज जॉब एंड व्हाट आर हिज ड्यूटीज. तो हर पर्सन को जब ये पता होगा कि मेरा क्या काम है, मुझे क्या काम करना है, तो ऐसे में जो मैनेजमेंट है वो अपना काम ज़्यादा इफेक्टिवली कर पाती है. एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स ईजी. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर मैं आपको एक ही बात बता रही हूँ कि जो काम है वो हर पर्सन को दिया जा रहा है और जो पर्सन है वो उस काम को बार बार करने से स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, डेवलपमेंट. ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल बाय डेलीगेशन ऑफ वर्क टू सबॉर्डिनेट. सबॉर्डिनेट को काम दिया जाएगा, सबॉर्डिनेट बार बार उसी काम को करेगा तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी, एज वेल एज जो मैनेजर है उसका वर्कलोड भी कम होगा क्योंकि नाउ ही इज असाइनिंग हिज रूटीन जॉब्स टू सबॉर्डिनेट. तो जो सबॉर्डिनेट है वो रूटीन जॉब कर रहा है और जो मैनेजर है, नाउ मैनेजर कैन फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज, नाउ मैनेजर कैन फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज. तो इससे डेवलपमेंट होगा दोनों पार्टीज का, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, मैनेजर एज वेल एज सबॉर्डिनेट. Expansion and growth. Organization provides the framework within which an enterprise can expand and grow. Through organization, management can multiply it. Organizing creates more job, additional department, product line. So it is possible in organizing structure that we can modify it, we can expand it. So in future, agar company ko aisa lagta hai ki hame apna structure ko और एक्सपेंड करना है तो उसको एक्सपेंड किया जा सकता है. नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी तक जो हमने पढ़ा वो था ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस.
और ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस की इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी. नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली इस पे 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजीरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड. इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज. ये हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया है कि स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क जो हमें बताएगा वेरियस जॉब पोजिशंस इन द कंपनी कि कौन किसके अंडर आता है. जब ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर की बात होती है तो हमारे सिलेबस में 2 टाइप के स्ट्रक्चर हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो कुछ कंपनीज जो हैं वो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं. ठीक है, तो जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फंक्शनल का मतलब होता है डिपार्टमेंट. फंक्शनल का मीनिंग है डिपार्टमेंट. तो जब कंपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाती है तो बेसिकली वो उसमें डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रही है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, पीआर डिपार्टमेंट. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन फंक्शंस. फंक्शंस मीन्स डिपार्टमेंट. तो जो स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं. अब फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सी कंपनीज बनाती हैं ये हमें पता होना चाहिए. फंक्शनल स्ट्रक्चर वो कंपनीज बनाती हैं जो कि सिंगल प्रोडक्ट लाइन में डील कर रही है. ऑल दोज कंपनीज विच आर डीलिंग इन सिंगल प्रोडक्ट लाइन फॉलो फंक्शनल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यानी कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रही हो तभी वो फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाएगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी कॉस्मेटिक के को प्रोडक्ट्स बनाती है तो कॉस्मेटिक का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका अपना एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एचआर डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होगा. तो जब फंक्शनल स्ट्रक्चर है तो बेसिकली जो कंपनीज वन प्रोडक्ट लाइन में डील करती हैं वही कंपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाती हैं. नाउ वी कम टू द सेकंड स्ट्रक्चर, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर कौन सी कंपनी बनाती है? डिविजनल स्ट्रक्चर वो कंपनीज बनाती हैं जो बेसिकली डील करती हैं मल्टी प्रोडक्ट्स में. कंपनीज हु आर डीलिंग इन मल्टी प्रोडक्ट लाइंस फॉलोस डिविजनल स्ट्रक्चर. तो कंपनी अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो उसको ऐसे में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा? डिविजनल स्ट्रक्चर. ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर आप यहाँ भी देख सकते हैं. ठीक है, सपोज आपकी कंपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रही है तो मैनेजिंग डायरेक्टर है और इनके अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने सिमिलर नेचर की जो जॉब है उसको ग्रुप करके मेजर फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है और जो ये मेजर फंक्शंस है ये क्या बन गए हैं? डिपार्टमेंट. ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस अगर हम देखें तो फर्स्ट एडवांटेज है आपकी स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन कैसे अचीव होगा? क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन का काम कर रहा है और जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो सेल्स का काम कर रहा है, तो दे विल बिकम स्पेशलाइज्ड बिकॉज दे आर डूइंग द सिमिलर जॉब. बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सपोज परचेज डिपार्टमेंट जो है वो अपने काम को ठीक से कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा, जिससे बेटर आउटपुट आए. इंक्रीज इन प्रॉफिट, फंक्शनल स्ट्रक्चर से प्रॉफिट आपका इंक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. बिकॉज परचेज डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, तो जब सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी. डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो देयर विल बी इंक्रीज इन प्रॉफिट. कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा बताइए? कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं है. ये ऊपर वाले पॉइंट से ही रिलेट करेगा आपका. कॉस्ट रिडक्शन मीन्स देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी इन दिस स्ट्रक्चर बिकॉज ऑल डिपार्टमेंट्स आर डूइंग देयर जॉब.
हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी नहीं कर रहा. तो जब दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी नहीं हो रही, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, सो रिजल्ट विल बी इन कॉस्ट रिडक्शन. ट्रेनिंग बिकम्स ईजियर. ट्रेनिंग कैसे ईजी होगा? ट्रेनिंग इसलिए ईजी होगा बिकॉज दोज हु आर इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल गेट द ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन ओनली. दोज हु आर इन सेल्स डिपार्टमेंट विल गेट द ट्रेनिंग ऑफ सेल्स ओनली. तो इस कॉन्सेप्ट से जो ट्रेनिंग देना है वो ज़्यादा आसान है कि जो प्रोडक्शन में उनको हमें सिर्फ प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देनी है, जो सेल्स में है उन्हें हमें सिर्फ सेल्स की ट्रेनिंग देनी है. ठीक है. ड्यू अटेंशन. हर डिपार्टमेंट अपने काम को ज़्यादा ध्यान से कर पाता है. प्रोडक्शन अपने काम को फोकस कर रहा है, सेल्स अपने काम को फोकस कर रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली डिपार्टमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है. थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे लेस इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. लेस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस क्यों है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की? क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, प्रोडक्शन अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, सेल्स अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, जिससे हमारा काम ठीक से हो. तो कभी कभी इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है दैट हैम्पर्स. ठीक है. कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम सेकेंड डिसएडवांटेज. कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम. कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम कैसे होगी? कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट अपना काम तो कोऑर्डिनेट करके कर रहा है, बट दैट डिपार्टमेंट इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट. मींस परचेज डिपार्टमेंट इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद द सेल्स डिपार्टमेंट. तो यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है. यहाँ एक पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन. डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है, इसमें मैनेजर को ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट मिस्टेक कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रही है एंड द कंज्यूमर हु आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट्स आर नॉट सेटिस्फाइड. नाउ दिस कंप्लेंट हैज बीन टैकल्ड बाय द मैनेजर. मैनेजर जो है उसने सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट किया कि आपने जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाया है दैट इज नॉट अप टू द मार्क. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो ब्लेम दे सकता है परचेज डिपार्टमेंट को कि परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल नहीं अच्छा दिया था. रॉ मटेरियल अच्छा नहीं दिया इसलिए प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाया. नाउ द मैनेजर विल मूव टू परचेज डिपार्टमेंट एंड ही विल आस्क कि जो परचेज डिपार्टमेंट है उसने अपना काम क्यों नहीं ठीक से किया. नाउ परचेज डिपार्टमेंट कैन ब्लेम फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा कम आया इसलिए रॉ मटेरियल बेटर क्वालिटी का नहीं आया. तो इस स्ट्रक्चर में बड़ा मुश्किल है इस बात को फिक्स करना कि मिस्टेक किसकी है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट. जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर जो था वो डिपार्टमेंट को बेस मान के बना था, इसी तरह जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो प्रोडक्ट को बेस मान के बनता है. फर्स्ट इज, देख सकते हैं आप इसमें, टेक्सटाइल, सीमेंट, फूड प्रोडक्ट. तो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी. पहली बात तो ये है कि डिविजनल स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है. ठीक है. अब मल्टी प्रोडक्ट कंपनी टेक्सटाइल, सीमेंट, फूड प्रोडक्ट, कंप्यूटर्स बना रही है. तो यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं बन सकता था, यहाँ प्रोडक्ट वाइज आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. तो जो प्रोडक्ट वाइज स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? डिविजनल स्ट्रक्चर. ठीक है. अब हर प्रोडक्ट के अपने डिपार्टमेंट होंगे. जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, फूड प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट है अपने, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स, परचेज. इसी तरह जो टेक्सटाइल है इसके भी अपने डिपार्टमेंट होंगे, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स, परचेज. तो हर प्रोडक्ट के अपने अपने डिपार्टमेंट होंगे. तो दिस स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट. अब आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा हम लेके चलेंगे. सपोज वी गार्ड लिमिटेड, अ लीडिंग कंपनी इन केरला, इज एंगेज्ड इन डाइवर्सिफाइड बिजनेस, नेमली इलेक्ट्रिकल्स, टेक्सटाइल, एम्यूजमेंट पार्क एटसेट्रा. ईच ऑफ दिस हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, नेम मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इन दिस केस which type of structure is suitable for the company.
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बना रही है, टेक्सटाइल बना रही है, एम्यूजमेंट पार्क की वर्किंग में डील कर रही है, तो ऐसी कंपनी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सूट करेगा? और स्ट्रक्चर हमारे पास दो ही है, आंसर इधर विल बी फंक्शनल और डिविजनल. तो यहाँ पे आंसर जो आपका आएगा वो आना चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर, बिकॉज दिस इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी. तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन 6 मार्क्स के आएंगे बोर्ड एग्जाम में. तो जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है उसके अंदर भी डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, लेकिन वो कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही होगी, ठीक है? तो जब भी क्वेश्चन में मल्टी प्रोडक्ट की बात होगी तो आंसर विल बी डिविजनल स्ट्रक्चर, नॉट फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है? थोड़ा सा एडवांटेजेस देख लेते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की. प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा. सपोज जो कॉस्मेटिक है प्रोडक्ट, वो कॉस्मेटिक जो है अपने प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइज्ड होंगे. यहाँ डिपार्टमेंट वाइज स्पेशलाइजेशन नहीं हो रहा, यहाँ प्रोडक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन हो रहा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड. मैनेजर के लिए आसान है इस बात को फिक्स करना कि हु इज रिस्पॉन्सिबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप स्टेशनरी प्रोडक्ट बना रहे हैं और कॉस्मेटिक भी बना रहे हैं, तो अगर स्टेशनरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनेजर के लिए ईजी है, वो सीधे जाके स्टेशनरी डिवीजन को पकड़ेगा कि स्टेशनरी क्यों खराब आई है, और जो स्टेशनरी डिवीजन है वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता. तो इस स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड ईजिली. द नेक्स्ट पॉइंट इज क्विक डिसीजन एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. इस स्ट्रक्चर को हम कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन फ्यूचर आपको लगता है कि वी वॉन्ट टू एक्सपेंड आर प्रोडक्ट लाइन, देन यू कैन एड द न्यू प्रोडक्ट इन योर प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑल्सो. सो इट इज easy to expand divisional structure. Disadvantage, conflict बना रहता है हर division के बीच में. Stationery को लग सकता है कि cosmetic को ज्यादा fund मिलते हैं, और cosmetic को लग सकता है कि जो आपका stationery है उसको ज्यादा funds मिलते हैं, ठीक है? सबसे main disadvantage है duplication of work. एक ही काम बार बार हो रहा है. स्टेशनरी डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग का काम कर रहा है. इसी तरह जो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट होगा वो भी प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग का काम करेगा. तो वर्क जो है उससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो पा रहा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, और उससे हमेशा कंपनी को नुकसान होगा, एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? एक 6 मार्क का क्वेश्चन आपका आ सकता है फंक्शनल और डिविजनल पे. इसमें आपका डिफरेंस आ सकता है कि फंक्शनल और डिविजनल के बीच में डिफरेंस बताइए. तो जब हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को आप 6 मार्क के हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली विच इज डेलिबरेटली डिजाइंड एंड देयर इज सम ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो जब भी आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे वो हमेशा किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बनाई जाएगी, और उसको बनाने का हमेशा कुछ ना कुछ पर्पस होगा. जैसे आप स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, ये सब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि ये deliberately design की जाती है. मतलब formal organization is not created automatically, it is deliberately planned and created by the top management. Secondly, superior subordinate relationship. इसमें हमेशा एक hierarchy होगी. A जो है वो B का superior है, B जो है वो C का superior है, और C जो है वो D का superior है. तो यहाँ पे हमेशा superior subordinate relationship बहुत clearly defined होगी, and nobody can report to any other person except his or her superior. हमेशा official line of communication follow होगा, formal talks होंगे, scalar chain follow होगी, work पे focus किया जाएगा, और इसके अपने कुछ rules and procedures होंगे. Next is informal organization. Informal organization जो है it automatically generates within the formal organization. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो आपको बनानी पड़ती है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं. मान लीजिए एक मैनेजमेंट है,
और स्टाफ है किसी भी कंपनी का, इंफोसिस लिमिटेड का, उन्होंने अपनी एक ड्रामेटिक सोसाइटी बना ली रिक्रिएशन के लिए. तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया. देखिए हम सब फॉर्मल स्ट्रक्चर में ही काम करते हैं, लेकिन जब लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ सोशली इंटरेक्ट करते हैं तो वही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है. तो जब हम फॉर्मल सेटअप में काम कर रहे हैं तो फॉर्मल सेटअप में मैनेजर और वर्कर डायरेक्टली एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नहीं करते, लेकिन जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो जब इनफॉर्मल टॉक्स कर रहे हैं तो हम मैनेजर और वर्कर एक साथ मिलके भी कोई ड्रामा टीम बना सकते हैं अपने एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए. या फिर एक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, मैनेजर और सबॉर्डिनेट हैं, वो क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं संडेज को. तो जब हम किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नाउ वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे भी आपका 6 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को आप इससे बहुत इजीली समझ सकते हैं. वी नो दैट नो इंडिविजुअल पर्सन कैन परफॉर्म ऑल द वर्क अलोन, सो ही हैज टू शेयर हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद अदर्स. तो डेलीगेशन इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. तो जब एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देता है कि तुम ये काम कर सकते हो, तो इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बिकॉज सिंगल पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क अलोन. तो टॉप मैनेजमेंट सारा काम खुद नहीं कर सकती, इसलिए वो थोड़ी सी पावर मिडल को दे देती है. मिडल सारा काम अकेले नहीं कर सकते, तो मिडल में जो मिडल में कोई मैनेजर होगा वो अपने सबॉर्डिनेट को काम दे सकता है. ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं तो इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू. ए के पास, ए इज द सुपीरियर और उसके पास बहुत सारा काम है, तो वो अपने सबॉर्डिनेट बी को अपनी थोड़ी सी पावर दे देगा. तो इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पर्सन एट अ टाइम. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, ये 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपका. डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो जब हम डेलीगेशन के इन 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी की जब बात होगी तो अथॉरिटी मैंने आपको बताया, अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर. अथॉरिटी का मीनिंग क्या है, पावर. तो अथॉरिटी जब हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी जब सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट होता है, ये बेसिकली क्यों किया जाता है, बिकॉज सिंगल पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क अलोन. तो हमेशा जो सुपीरियर है वो अपनी थोड़ी सी पावर किसको ट्रांसफर कर देता है, अपने जूनियर को. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है बेसिकली उसका प्रोसेस क्या है, जो ए है वो बी को अपनी थोड़ी सी पावर देगा, बी जो है वो सी को देगा, सी जो है वो डी को देगा. तो इसका फ्लो क्या है, इसका डाउनवर्ड फ्लो है. ठीक है, इसके बाद सेकेंड एलिमेंट जो है वो क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम 3 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क. जब किसी पर्सन को अथॉरिटी दी जाती है तो साथ के साथ उसकी एक ऑब्लिगेशन भी क्रिएट होती है कि मैं इस काम को, मुझे इस काम को करके देना है. तो ऑब्लिगेशन जो है बेसिकली वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क. ठीक है, और इसका भी जो आप हायरार्की देखेंगे, जैसे अथॉरिटी ए जो है उसने अपनी अथॉरिटी बी को दी, बी ने सी को दी, तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका फ्लो भी डाउनवर्ड चलता है. नाउ द लास्ट एलिमेंट इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी. तो जब हम किसी को अथॉरिटी देते हैं, जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, नाउ ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क ऑल्सो. तो इन केस अगर कहीं भी कुछ हमें आंसर चाहिए, तो जिस पर्सन को हमने अपनी पावर ट्रांसफर की है, जिसको हमने जिसकी जिम्मेदारी है उस काम को करने की, दैट पर्सन विल बी आंसरेबल फॉर दैट वर्क.
फॉर एग्जाम्पल सीईओ ने एक टास्क दिया मैनेजर को कि आपको 1 month में 200 स्कूटर्स का प्रोडक्शन करना है. मैनेजर ने ये टास्क सुपरवाइजर को दे दिया कि सुपरवाइजर तुम्हें 200 स्कूटर्स इस मंथ में बना के देने हैं. लेकिन जो मैनेजर है उसने प्रॉपर डेलीगेशन नहीं किया. ड्यू टू दिस सुपरवाइजर वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स ऑफ स्कूटर एट अ पर्टिकुलर मंथ. Now, who will be accountable to CEO? Obviously, manager will be accountable to CEO. क्योंकि CEO ने ये काम किसको दिया था? Manager को. Manager ने ये काम किसको दिया? Supervisor को. लेकिन आप अपनी authority delegate कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप अपनी answerability, accountability cannot be delegated. You have to be answerable to your superior. तो इन केस अगर आप अपनी जिम्मेदारी किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी साथ में ट्रांसफर नहीं कर सकते. यू विल बी आंसरेबल फॉर योर वर्क. तो ये जो है बेसिकली इस पे हमारा 6 mark का क्वेश्चन आ जाता है कि 3 elements डिस्कस करने के लिए आ जाते हैं कि बेसिकली व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं हमारे 3 हैं बेसिकली अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर इज स्टाफिंग. नेक्स्ट चैप्टर इज योर स्टाफिंग. आप ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ा इस टॉपिक की आपको इम्पोर्टेंस भी पढ़नी है बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार हम थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे. दैट इज स्टाफिंग चैप्टर. इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. मैनेजमेंट ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाती है क्योंकि वो अपने काम को दूसरे को असाइन कर रही है तो वो रिलैक्स होकर अपनी कोर एक्टिविटी पे फोकस कर पाती है. सेकेंडली एम्प्लॉय डेवलपमेंट. एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो पाता है क्योंकि जब सुपीरियर उसको काम दे रहा है तो जो सबॉर्डिनेट है वो काम को करना सीखेगा. इससे धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन कैसे होगा क्योंकि जो सबॉर्डिनेट हैं बेसिकली दे विल फील मोटिवेटेड बिकॉज देयर सुपीरियर इज ट्रस्टिंग ऑन देम. जो उनका सुपीरियर है वो ट्रस्ट कर रहा है और ट्रस्ट करके उनको अपनी पावर दे रहा है. जब किसी भी सबॉर्डिनेट को पावर मिलती है तो वो काम को करने के लिए मोटिवेट होता है. फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ. जब डेलीगेशन होगा तो जितने भी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उन सभी को काम करना, काम की सिचुएशन को टैकल करना आएगा तो धीरे धीरे इससे कंपनी की ग्रोथ भी होगी. नेक्स्ट इज मैनेजरियल हायरार्की. डेलीगेशन जो है उससे मैनेजमेंट की हायरार्की भी बनती है कि कौन टॉप में रहेगा, कौन मिडल में है और कौन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं. तो ये बेसिकली आपका डेलीगेशन था. एक टर्म आती है डिसेंट्रलाइजेशन और नॉर्मली बच्चे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइज को कंफ्यूज करते हैं तो इसमें हल्का सा हम डिफरेंस पढ़ेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेंट्रलाइजेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ध्यान रखिए डेलीगेशन इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2. ठीक है. एंड डेलीगेशन इज अ नैरो कॉन्सेप्ट. डिसेंट्रलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो जो डेलीगेशन है उसमें एक टाइम में 2 ही लोग इन्वॉल्व है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट. सुपीरियर सारा काम नहीं कर सकता इसलिए वो थोड़ी सी पावर सबॉर्डिनेट को दे दे रहा है. डिसेंट्रलाइजेशन में पूरी आपकी कंपनी इन्वॉल्व होगी, पूरा टॉप लेवल इन्वॉल्व होगा, मिडिल लेवल इन्वॉल्व होगा और लोअर लेवल इन्वॉल्व होगा. सो दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैनी. इसमें एक टाइम में पूरी कंपनी इन्वॉल्व है. ठीक है. तो बेसिकली इट इज अ सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो आप देख सकते हैं यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन का एक डायग्राम है जिसमें हम डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अथॉरिटी डिस्पर्स होती है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स. डिसेंट्रलाइजेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो डेलीगेशन में से ही निकली है. मोटिवेशन ऑफ सबॉर्डिनेट, क्विक डिसीजन मेकिंग, ये मोर और लेस सही ही
सिमिलर हैं जो हमने डेलीगेशन में पढ़ी है, ठीक है। इसके बाद आपका 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी एक्ट, ये सबको पता होना चाहिए। डेलीगेशन इज कंपल्सरी बिकॉज सिंगल पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क अलोन। हाउएवर डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल बिकॉज कंपनी कैन गो फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑल्सो। तो कंपनी का डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी नहीं है, कंपनी डिसेंट्रलाइज हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है, कंपनी सेंट्रलाइज भी हो सकती है, ठीक है। तो डेलीगेशन कंपल्सरी है, डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल, ठीक है। दूसरी बात, डेलीगेशन जो है इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। तो इसको आप डिफरेंस को 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग। जो स्टाफिंग चैप्टर है बेसिकली जो हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ा, वी हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर, वी हैव क्रिएटेड द डिपार्टमेंट्स, नाउ we have to fill people in various post in this structure. तो organizing chapter में आप जो structure बनाते थे, चाहे वो आप department wise बना रहे थे, चाहे वो आप product wise बना रहे थे, now we have to fill people in that organization structure. क्योंकि अभी तक जो है वो basically paper work चल रहा है, ठीक है। अब उस paper work में हमें अपने staff को put करना है, तो जब हमारी manpower resources उस स्ट्रक्चर में जाएंगी तभी एक्चुअल में काम होना शुरू होगा। तो स्टाफिंग में दो वर्ड आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड, कि आप अपने स्ट्रक्चर में लोगों को फिल तो कर रहे हैं, साथ में उनको उस पोजीशन पे आपको बना के भी रखना है, सो दैट दे विल नॉट लीव जॉब फ्रीक्वेंटली। क्योंकि जब वो आपकी कंपनी में काम करेंगे तभी फाइनली कुछ आउटपुट आएगा। अगर वो बार बार जॉब छोड़ेंगे और जॉब चेंज करेंगे तो स्टाफिंग का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा। तो स्टाफिंग में दोनों पॉइंट आने चाहिए, फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज नीडेड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ऑब्वियसली स्टाफ जो है वही आपकी कंपनी का काम करेगा। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कॉम्पिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग हेल्प टू फाइंड आउट the competent employee for various jobs. तो staffing function करने से ही हम competent person को अपनी company में employee रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, अभी आप आगे चल के staffing process पढ़ेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि competent personnel कैसे मिलेंगे company को। तो जो staffing है, staffing process जब हम करेंगे तो हम इस बात को बहुत detail में पढ़ेंगे कि competent person कैसे find out किया जाता है। तो स्टाफिंग सबसे पहले हमें कॉम्पिटेंट पर्सनल मिलते हैं स्टाफिंग करने से। जब हमें कॉम्पिटेंट पर्सन मिलेंगे तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी, क्योंकि कॉम्पिटेंट पर्सन राइट पर्सन इज प्लेस्ड ऑन राइट जॉब। व्हेन अ पर्सन इज प्लेस्ड ऑन राइट जॉब ही विल परफॉर्म बेटर, सो इट विल बी रिजल्ट इन हायर परफॉर्मेंस, सर्वाइवल और ग्रोथ। आपके पास जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, जिससे कि वो फ्यूचर में एक अच्छे मैनेजर बने और इससे आपकी कंपनी का सर्वाइवल एंड ग्रोथ होगा, ठीक है। जब आपके पास कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे जो प्रॉपरली ट्रेंड होंगे और जो फ्यूचर में अच्छे मैनेजर्स बन सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी का क्या होगी आगे, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, when right person is placed on right job, so that person will perform the job in his best way. to jab person ko uska ek right place diya jayega, so that person will be able to perform his job in the best way, that will result in optimum utilization of resources. job satisfaction, jab aap sahi person ko sahi job pe place karenge और आप उसको रेम्यूनरेशन और उसको प्रॉपर असेसमेंट करते रहेंगे, तो जो आपकी कंपनी के इम्प्लॉयज हैं वो हमेशा सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो जो स्टाफिंग चैप्टर है बेसिकली वो आपके इम्प्लॉयज के ऊपर पूरा फोकस्ड है कि आपका जो स्टाफ है वो आपको अच्छे से अच्छा कैसे मिल सकता है, और जब आपको स्टाफ बेटर मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। इसी चैप्टर में एक टॉपिक है एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। आजकल जितनी भी कंपनीज हैं वो सभी कंपनीज अब एचआर डिपार्टमेंट उनका होने लगा है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट।
तो आप समझ सकते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. स्टाफिंग फंक्शन की इम्पोर्टेंस की वजह से ही आजकल कंपनीज ने अपना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं, जो कि बेसिकली एम्प्लॉय से रिलेटेड, स्टाफ से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी चीज़ को प्लान करते हैं, जिससे कि उनको बेस्ट स्टाफ मिले, ट्रेंड वर्कफोर्स मिले और कंपनी का जो है वो बेनिफिट हो. ठीक है, तो एचआर डिपार्टमेंट बेसिकली रिक्रूटमेंट पे ध्यान देता है, जॉब एनालिसिस पे, कंपनसेशन पे, ये सारे टर्म्स अभी हमारी आगे आएंगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देता है, लेबर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग रखता है, कोई भी कंप्लेंट हो, ग्रेवियंसेस, प्रॉब्लम और कंप्लेंट, उन सबको हैंडल करने का काम भी एचआर डिपार्टमेंट का होता है, वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सारे काम जो है बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट देखता है. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आज की सिनेरियो में जो स्टाफिंग है या स्टाफ है, ठीक है, वो कितना इम्पोर्टेंट है कि नाउ कंपनीज आर मेंटेनिंग देयर सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर दैट वर्क ओनली. नाउ वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर, दैट इज स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस. ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस पे क्वेश्चन आपका 6 और 5 मार्क्स का आ जाता है, तो इस प्रोसेस को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. ठीक है, स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप्स इन मैन पावर प्लानिंग. तो जब भी कोई कंपनी अपने स्टाफ को रखना चाहती है तो सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा कि अगर ये मेरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कब बनाया था, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में. तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है. अब इस चैप्टर में हमें देखना है कि उस स्ट्रक्चर के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत है, कितनी मैन पावर चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली मैन पावर प्लानिंग इज द प्लानिंग ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसके लिए कंपनी को दो टाइप के एनालिसिस करने पड़ते हैं, वर्क फोर्स एंड वर्क लोड, कि ऑलरेडी हमारे पास पहले से कितने लोग हैं और हमारे पास काम कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी. सपोज कंपनी ने सारा स्ट्रक्चर को देखा और स्ट्रक्चर वर्क फोर वर्क लोड एनालिसिस करने के बाद कंपनी को लगता है कि अभी हमें 100 लोग और चाहिए काम को करने के लिए. ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप इज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट क्या है, अब 100 चाहिए तो 100 जो 100 लोग हैं उनको ढूंढने के लिए, 100 का जो स्टाफ है उसको ढूंढने के लिए हमें सेकंड स्टेप पे आना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट. व्हाट इज रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब. तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय. हम सर्च करेंगे कि ये 100 का जो स्टाफ हमें चाहिए ये हमें कैसे मिलेगा. तो इसके लिए बेसिकली आप अलग अलग रिक्रूटमेंट के सोर्सेस पे जाएंगे, अनाउंसमेंट करेंगे और जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है वो जॉब के लिए फिर अप्लाई करेगा. ठीक है, आप देखते हैं न्यूज़पेपर में सिचुएशन वेकेंट आता है, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कंपनीज के कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है. ठीक है, तो रिक्रूटमेंट बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को. ठीक है, अब सपोज हम थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं, सिलेक्शन. सिलेक्शन में क्या होगा, आपने 100 की वैकेंसी निकाली थी. ठीक है, जब आपके पास एप्लीकेशन आएंगी तो इट कैन बी मोर देन 100. ऑब्वियसली वो हमेशा मतलब जितना आपकी रिक्वायरमेंट होगी उससे ज़्यादा लोग ही अप्लाई करेंगे. सपोज आपको 100 स्टाफ की जरूरत थी और 1000 एप्लीकेशंस आ गई. नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फ्रॉम दोज 1000 एप्लीकेशन. तो सिलेक्शन इज बेसिकली अ नेगेटिव प्रोसेस. सिलेक्शन क्या है, नेगेटिव प्रोसेस, बिकॉज वी आर रिजेक्टिंग मोर एंड सेलेक्टिंग लेस. तो हम सिलेक्शन प्रोसेस में चूज करते हैं और अपॉइंट करते हैं राइट पर्सन को राइट जॉब. जब सिलेक्शन हो जाएगा तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, हम पर्टिकुलर पर्सन को बता देंगे कि आप कहाँ पे आपको काम करना है और साथ के साथ हम उसको फैमिलियराइज कराएंगे बाकी स्टाफ से और जो कंपनी की वर्किंग कंडीशंस हैं उनसे हम उसको फैमिलियराइज कराएंगे. तो ओरिएंटेशन इज फैमिलियराइजिंग ऑफ अपॉइंटेड पर्सन विद द वर्क और विद अदर कलीग्स और विद द ऑर्गेनाइजेशन. प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट के बाद आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिससे कि जिस भी पर्सन को आप अपॉइंट करेंगे
वो उसकी नॉलेज और स्किल्स और एटीट्यूड जो है वो इम्प्रूव हो. ट्रेनिंग के बाद नाउ वी विल कम टू द परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स आपने स्टाफ पहले मैन पावर प्लानिंग की, फिर रिक्रूटमेंट किया, फिर सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद ट्रेनिंग दी. अब आप देखेंगे कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन जिसको आपने ट्रेनिंग दी, जिसको आप डेवलप करना चाह रहे हैं, हाउ इज ही परफॉर्मिंग. ठीक है, तो नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज देयर. परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप देखेंगे कि आप असेसमेंट करेंगे, यू विल असेस वेदर योर एम्प्लॉई इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट, वेदर ही इज परफॉर्मिंग एक्सेलेंट, गुड, एवरेज, पुअर. ठीक है, क्योंकि फ्यूचर डिसीजन उसी के ऊपर बेस्ड होगा. फ्यूचर डिसीजन इज प्रमोशन. नाउ दोज हु आर एक्सेलेंट, दोज हु आर परफॉर्मिंग गुड, दे कैन बी मूव टू द हायर पोजिशन. ठीक है, सो दिस इज द प्रमोशन. प्रमोशन में आप मूव करेंगे एम्प्लॉय को हायर पोजिशन पे, और सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज को, दोज हु आर परफॉर्मिंग एक्सीलेंट. परफॉर्मेंस देन कंपनसेशन. स्टाफिंग प्रोसेस में हम सैलरी और सैलरी डिसाइड करेंगे कि कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, और इट विल डिपेंड अपॉन द रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ द जॉब. जिस नेचर की जॉब है, जितना उसमें रिस्क है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है. रिक्रूटमेंट, ये स्टाफिंग प्रोसेस हो गया. अब हम रिक्रूटमेंट को थोड़ा सा जल्दी देखेंगे. रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट में बेसिकली वी स्टिम्युलेट द आउटसाइडर्स टू अप्लाई फॉर द जॉब. ठीक है, हमें लोगों की ज़रूरत है, और रिक्रूटमेंट एक तरीका है जिससे हम सामने वाले को स्टिम्युलेट कर सकते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई करें. ठीक है, हमारे पास दो तरीके हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अगर हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करें, सपोज हमारी दो ब्रांच है ए एंड बी, ए में स्टाफ ज़्यादा है और बी में स्टाफ कम है, तो हम ए से मूव करके बी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो ट्रांसफ़र इज सिंपली शिफ्टिंग ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विद नो चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं हो रही ट्रांसफ़र में, कोई सैलरी चेंज नहीं हो रही. सेकेंड इज प्रमोशन. मान लीजिए कोई हायर पोजिशन था, मिडल मैनेजमेंट में एक मैनेजर था, जो अभी उनको कहीं जॉब मिल गई और वो चले गए, तो यहाँ एक पोजीशन वेकेंट है और आप चाहते हैं कि इसको इंटरनली फिल किया जाए, तो प्रमोशन कैन बी अ ऑप्शन थ्रू विच वी कैन शिफ्ट एन एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर पोजीशन टू अ हायर पोजीशन. तो यहाँ पे कोई बाहर वाला नहीं आ रहा, यू आर इंटरनली फुलफिलिंग ऑल द वैकेंसी. तो जब हम सारी वैकेंसी इंटरनली फुलफिल करते हैं, तो बेसिकली वो क्या है, आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर और प्रमोशन. Now we come to the some benefits of yes. प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने. जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने.
कहीं पड़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पड़े हम कहीं पड़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बात कोई मन जाहा केंद्र चुने हम अपना जीवन स्वयं बने हम अपना various source of recruitment, external recruitment. So the first source of external recruitment is direct recruitment. Direct recruitment में basically आपका क्या होता है, जो company है वो notice board पे notice place करती है and जो भी उस notice को देखता है he can come on a particular date can appear for the interview. So second is casual callers. Casual callers में लोग अपना application पहले से provide करके रखते हैं company को और जब भी company को ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी उन एप्लीकेशंस में से कॉल करती है। तो इस जो अब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पढ़ रहे हैं इसमें बेसिकली आउटसाइडर्स आएंगे। थर्ड इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आपने देखा ही है, लाइक इन न्यूज़पेपर सिचुएशन वेकेंट्स आती हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर देयर, प्लेसमेंट एजेंसीज आर देयर हु बेसिकली मीट द डिमांड एंड सप्लाई बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। नाउ द कैंपस इंटरव्यू। कैंपस इंटरव्यू इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। कैंपस इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि जो कंपनीज हैं वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ क्लोज कांटेक्ट मेंटेन करके रखती हैं और वो डायरेक्टली वहाँ से स्टूडेंट्स को भी पिक करती हैं फ्रेश अपॉइंटिंग के लिए। रिकमेंडेशन, कभी कभी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ से सजेशन लेती है कि अगर उनका कोई नोन है जिसको पहले से जानते हैं तो कंपनी उनको भी मौका दे सकती है। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बेसिकली जो आउटसाइडर्स हैं उनको कंपनी एनकरेज करती है टू अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बाद हम बेसिकली आते हैं डायरेक्टली सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसे हमने स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ा, इसी तरह सिलेक्शन का भी अपना एक प्रोसेस है। तो सिलेक्शन इज बेसिकली अ नेगेटिव प्रोसेस जिसमें हम सेलेक्ट कम कर रहे हैं और रिजेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले है हमारा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में बेसिकली हमें क्या देखना है, जो भी एप्लीकेशंस आई हैं we will remove the unfit application from them, then we will go for selection test. आपने देखा होगा बहुत तरीके के selection test OMR sheet पे conduct होते हैं, like trait test, intelligence test. इसके basis पे हम जो employee हैं उनको find out करते हैं। ठीक है, उसके बाद next step is interview. हम interview लेते हैं। interview लेने के बाद interview को जो लोग clear करते हैं then we go for their background check. उनका हम background check करवाते हैं। आफ्टर बैकग्राउंड वी विल गो फॉर मेडिकल। मेडिकल करवाया जाएगा दोज हु आर फिट। जो भी हमने मेडिकल के बेसिस पे हमारे पास रिजल्ट निकल के आया कि यस दीज आर द बेस्ट वन, अब हम उनको क्या करेंगे, वी विल ऑफर देम जॉब। हम जॉब का ऑफर देंगे एंड वी विल मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद देम। तो जो स्टाफिंग चैप्टर है बेसिकली इसमें हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में,
और इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है ट्रेनिंग का. ट्रेनिंग अंडर स्टाफिंग चैप्टर वी विल डिस्कस टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स. फर्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सेकेंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमारे पास जो हमें पढ़ना है दैट इज बेसिकली इंटर्नशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग, और जो हमें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में पढ़ना है वो है हमारे पास वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग आर दोज ट्रेनिंग विच आर बेसिकली गिवन व्हेन द वर्कर्स इज परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब. जब आप वहाँ पे काम कर रहे हैं जिस एटमोसफेयर में, जब आपको वहीं पे ट्रेनिंग मिलती है तो दैट ट्रेनिंग इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग. और जब आपको आपके वर्किंग एटमोसफेयर से बाहर निकाल के ट्रेनिंग दी जाए तो उसको क्या कहा जाता है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में बेसिकली हमें एक ही ट्रेनिंग पढ़नी है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में एक पूरा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है विच इज सिमिलर टू द ओरिजिनल एनवायरनमेंट, और वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है. एंड बेसिकली दिस ट्रेनिंग इज गिवन फॉर सोफेस्टिकेटेड जॉब्स. जो बहुत सोफेस्टिकेटेड जॉब्स हैं जिसमें बहुत टेक्निकलिटी चाहिए, सिर्फ ऐसी जॉब्स के लिए हम कौन सी ट्रेनिंग देते हैं? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. तो दिस वॉज अबाउट द स्टाफिंग चैप्टर. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डायरेक्टिंग चैप्टर. जो डायरेक्टिंग चैप्टर है, डायरेक्टिंग चैप्टर में जैसे आपने मूवीज में देखा है ना कि डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर का काम क्या है? एक्शन करवाना. तो सिमिलरली मैनेजर इज अ डायरेक्टर इन दिस चैप्टर. मैनेजर को एक्शन इनिशिएट कराना है. जो स्टाफ आपने लास्ट चैप्टर में रखा उससे काम करवाना है हमें डायरेक्टिंग चैप्टर में. सो इन दिस चैप्टर, इन अंडर डायरेक्टिंग चैप्टर देयर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन. फर्स्ट इज सुपरविजन, नेक्स्ट इज मोटिवेशन, देन इज कम्युनिकेशन, एंड फोर्थ वन इज लीडरशिप. तो इसमें चार तरीके काम करवाने के हम पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट है सुपरविजन. जब सुपरविजन के थ्रू हम काम करवाते हैं तो बेसिकली हमें देखना है कि वर्कर क्या काम कर रहा है और उसको हम वहीं पे सुपरवाइज करते हैं कि हाउ टू परफॉर्म द जॉब. तो सुपरविजन में आपको सिर्फ सुपरविजन का थोड़ा सा मीनिंग पढ़ना है, नथिंग एल्स. देन द सेकेंड टाइप ऑफ डायरेक्टिंग इज लीडरशिप. आप लीडर बन के भी अपने स्टाफ से काम करवा सकते हैं. अंडर लीडरशिप वी हैव टू डिस्कस थ्री टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, दैट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फायर. ऑटोक्रेटिक लीडर जो है वो बेसिकली बॉस सेंटर्ड है और एम्प्लॉय हैज टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन अंडर ऑटोक्रेटिक स्टाइल. अंडर डेमोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेसी में क्या करना है, जो दिस इज ग्रुप सेंटर्ड स्टाइल. इसमें जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है ये मिलके काम करते हैं, ठीक है. और थर्ड है आपका लेजिस्फेयर. लेजिस्फेयर में क्या है, जो आपका एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय पे ट्रस्ट करता है और एम्प्लॉय को कहता है कि डू योर वर्क, आई ट्रस्ट यू. तो ये तीन लीडरशिप के तरीके हैं काम करवाने के. देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन टॉपिक जो है, मोटिवेशन इज बेसिकली स्टिम्युलेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग द एम्प्लॉय सो दैट एम्प्लॉय कैन परफॉर्म हिज और हर जॉब विद हिज फुल विलिंगनेस. तो मोटिवेशन में जो मैनेजर है या मैनेजमेंट का काम है एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, उसको स्टिम्युलेट करना कि जो एम्प्लॉय है वो अपने विलिंगनेस से काम करे, ठीक है. इस टॉपिक में बेसिकली हमें दो टॉपिक बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. एक तो इंसेंटिव्स, जो कि हमें दो टाइप के पढ़ने हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी. मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो हैं हमारे वो बेसिकली कौन से इंसेंटिव्स हैं? मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर दोज इंसेंटिव्स विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर दोज इंसेंटिव्स विच आर नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स, विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. तो जब आप सामने वाले को मोटिवेट करते हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, तो आप मॉनेटरी इंसेंटिव या मॉनेटरी लालच दे के भी उससे काम करवा सकते हैं. और अगर आप उसके जो एम्प्लॉय है उसके पास मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑलरेडी हैं तो आपको उसको स्टिमुलेट करना होगा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दे के. तो अगर हम अपने सिलेबस में देखें तो हमें जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स पढ़ने हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो हैं हमारे बेसिकली क्या हो गए, पे, प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस देना,
को पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, जो हमारे शेयर्स होंगे कंपनी के वो हम लेस प्राइस पे एम्प्लॉय को दे देंगे, तो एम्प्लॉय के अंदर फीलिंग आती है यस वी आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द कंपनी. तो मॉनेटरी इंसेंटिव्स में हम बेसिकली जो भी ऑफर कर रहे हैं दैट आर इन मॉनेटरी टर्म्स. और जब हम नॉन मॉनेटरी की बात करते हैं तो वी आर नॉट ऑफरिंग एनी मनी टू एनी एम्प्लॉय. वी हैव टू मोटिवेट दैट एम्प्लॉय विद समथिंग एल्स. वो समथिंग एल्स क्या हो सकता है, स्टेटस. हम उसका जो स्टेटस है वो इम्प्रूव कर दें, हम उसकी जॉब एनरिच कर दें. जॉब एनरिचमेंट का क्या मतलब है, उसकी जॉब ज़्यादा चैलेंजिंग कर दें, ठीक है, उसको जॉब सिक्योरिटी दें. एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करें, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम लाइक हम एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड दें, ठीक है, या हम मोमेंटोज दें ऐसे एम्प्लॉयज़ को, दोज हु आर परफॉर्मिंग गुड फॉर आर कंपनी. तो ये बेसिकली मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं विच वी कैन ऑफर टू आर एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन वर्क विलिंगली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है. मोटिवेशन में एक टॉपिक और है, मैस्लो की नीड हायरार्की. मैस्लो ने हमें एक नीड हायरार्की दी थी जिसमें बेसिकली हम फाइव नीड्स के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट नीड इज फिजियोलॉजिकल नीड, सेकेंड इज सिक्योरिटी नीड, थर्ड इज सोशल नीड, फोर्थ इज एस्टीम नीड, एंड फिफ्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. तो जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, हमें एज अ मैनेजर ये देखना है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं उसकी अनसेटिस्फाइड नीड कौन सी है. अगर उसकी फर्स्ट या सेकेंड नीड अनसेटिस्फाइड है तो हम उसको मॉनेटरी इंसेंटिव देंगे, लेकिन अगर उसकी थर्ड और फोर्थ नीड अनसेटिस्फाइड है तो हम उसको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देंगे जिससे कि वो काम करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी बहुत अच्छी है लेकिन ही इज नॉट परफॉर्मिंग गुड, तो हम उसकी जॉब पोजीशन, उसका स्टेटस इम्प्रूव कर देंगे, उसको प्रमोट कर देंगे जिससे वो काम ठीक से करे. तो इस टॉपिक को बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है क्योंकि ये भी आपका 4 मार्क्स में आ सकता है. नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में हमें जो पढ़ना है, कम्युनिकेशन इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू पीपल एंड एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर पॉइंट. तो जब हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन इज नॉट अ वन वे प्रोसेस, ये एक टू वे प्रोसेस है जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं एंड बोथ आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है. सो फीडबैक इज ऑल्सो नेसेसरी. तो ये भी एक तरीका है काम करवाने का. कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ वे विच इज यूज बाय द मैनेजर फॉर their employees so that they can perform a work. तो communication के through भी हम काम करवा सकते हैं. पर कभी कभी जब communication होती है दो लोगों के बीच में तो इसमें बहुत सारे barriers आ जाते हैं. तो barrier का जो question है that is also very important. We have 4 type of barrier in our syllabus. First is semantic barrier that are related with the language. तो जब भी दो लोगों के बीच में बातचीत में language से related problem आती है so that is termed as semantic barriers. Second is psychological barriers. Psychological barriers are emotional barriers. तो जब emotions की वजह से, anger की वजह से जब दो लोग आपस में बात नहीं कर पाते ठीक से तो उसको term जो हमने दी है वो क्या दी है, psychological barrier. Next is organizational barriers. Organization की policy, organization के rules, organization का structure complicated है जिसकी वजह से जब दो लोग अपने आइडियाज को एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर सकते तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. एंड लास्ट वन इज पर्सनल बैरियर. पर्सनल बैरियर जो हैं वो रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन होते हैं. मेरे खुद के अंदर ये एक बैरियर है, सपोज कि मैं अपने सुपीरियर से बात नहीं कर पाती तो दैट इज माई पर्सनल बैरियर, ठीक है. तो पर्सनल बैरियर इज रिलेटेड टू अ पर्सन. जब पर्सन को खुद लगता है कि मुझे सामने वाले से बात नहीं करनी ड्यू टू एनी रीजन तो वहां पे क्या अराइज होते हैं, पर्सनल बैरियर. तो डायरेक्टिंग चैप्टर में बेसिकली ये 4 एलिमेंट हैं जिसके थ्रू हम काम करवा सकते हैं, मोटिवेट करके, सुपरवाइज करके, लीडरशिप के थ्रू और सिंपल कम्युनिकेशन के थ्रू भी हम बातचीत करके हम सामने वाले से काम करवा सकते हैं. इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मोटिवेशन एंड styles of leadership and one topic barrier of communication. इन तीनों टॉपिक को आप बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ें.
नाउ वी मूव टू आवर लास्ट चैप्टर दैट इज कंट्रोलिंग. देखिए मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसमें से हम प्लानिंग आप पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग हमने अभी डिस्कस किए हैं. द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग. तो जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग में बेसिकली क्या करना है, हमने प्लानिंग के टाइम जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था, सपोज कि हमें 90% मार्क्स अचीव करने हैं, मैं इंडिविजुअल एग्जांपल ले रही हूँ फिर कंपनी का. सपोज हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था, आई वांट टू स्कोर 90% मार्क्स इन माय बोर्ड एग्जाम. उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनाइजिंग की, उसके अकॉर्डिंग हमने सारा काम किया, ठीक है. अब जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग के टाइम हम एक्चुअल में चेक करेंगे व्हाट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस. सपोज कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट किया कि 100 यूनिट पर डे पर वर्कर, तो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है उसमें हम बेसिकली चेक करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, फाइंडिंग आउट द डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. तो कंट्रोलिंग चैप्टर में बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि 100 का टारगेट सेट किया था, कितनी यूनिट बनी. सपोज 98 बनी तो दैट मींस देयर इज अ डेविएशन ऑफ 2, 2 यूनिट का डेविएशन आया. नाउ वी हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस सो दैट दीज डेविएशंस आर नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर. तो कंट्रोलिंग चैप्टर इज द शॉर्टेस्ट चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर है, और इसी में हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी क्या होगी. तो इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस. कंट्रोलिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, सेटिंग स्टैंडर्ड. फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग स्टैंडर्ड. सेटिंग स्टैंडर्ड में वी हैव टू सेट स्टैंडर्ड कि हमें बेसिकली 100 यूनिट्स बनानी थी. सेकेंड स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. वी विल चेक वॉट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस. मैनेजर हैज टू चेक कि एक्चुअली में क्या परफॉर्मेंस चल रही है. एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी चेक इन टू वेज, व्हेन वर्क इज इन प्रोग्रेस एज वेल एज व्हेन वर्क इज इन कंप्लीट. जब वर्क कंप्लीट हो गया है तो भी आप चेक कर सकते हैं प्रोग्रेस क्या चल रही है, और जब वर्क इन प्रोग्रेस है देन ऑल्सो अ मैनेजर कैन चेक. सपोज यूनिट बन रही है तो मैनेजर रेंडमली चेक कर सकता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या चल रही है. अब सपोज एक्चुअल परफॉर्मेंस आई आपकी 98 यूनिट की, तो थर्ड स्टेप इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड. आपका स्टैंडर्ड था 100 यूनिट एंड यू आर एबल टू प्रोड्यूस ओनली 98, सो हेयर वी विल गेट डेविएशन, या हमें 2 की डेविएशन मिली. फोर्थ स्टेप इज एनालाइजिंग डेविएशन. नाउ जब हम एनालाइज करेंगे डेविएशन को तो हमें देखना होगा बेसिकली कि जो 2 डेविएशन निकली हैं वेदर दीज आर क्रिटिकल और नॉट. इफ दीज आर क्रिटिकल देन वी विल टेक एक्शन, बट इफ दीज आर नॉट क्रिटिकल देन वी कैन ऑल्सो इग्नोर दीज डेविएशन. सो व्हेन वी एनालाइज द डेविएशन देर आर 2 पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. अंडर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वी सेट KRA, की रिजल्ट एरियाज. If deviations are beyond the key result areas, then we have to focus on the deviation and we have to correct these deviations. Otherwise, the productivity of our company will be hampered. And the second is management by exception. Exception means only exceptional deviations will be transferred to management. If deviations are simple or can be tackled easily, there is no need to transfer them to top management. If deviations are complicated or it is beyond the control of everyone, so these cases will be transferred to management. तो इसको क्या कहा जाता है, management by exception, कि management के पास सिर्फ क्या जाएंगी, exceptional deviations transfer की जाएंगी. ये हमारे 4 step हो गए, और 5वां यानी last step जो है वो है बेटा corrective action. Corrective action में basically हमें ये देखना है कि जो डेविएशंस हार्मफुल थी हमारी कंपनी के लिए, वी हैव टू करेक्ट दोज डेविएशन. हमें इसी स्टेज पे उसको करेक्ट करना पड़ेगा सो दैट वी विल नॉट फेस दीज प्रॉब्लम इन फ्यूचर. तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन कम फॉर 5 मार्क्स, सो देयर आर 5 स्टेप्स, सो इट कैन कम इन 5 मार्क क्वेश्चन. तो
first point was setting standard, then second was actual performance, measurement of actual performance, and third step was comparing the actual performance with the predetermined standards. Fourth was analyzing deviation, under which we have to focus on two things, critical point control and management by exception. And the last point was corrective action. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा रिलेशनशिप में बनता है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग? कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग, देखिए सबको पता है प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग क्योंकि कंट्रोलिंग में हम पीछे की तरफ देख रहे हैं. वी आर लुकिंग बैकवर्ड whether we are able to achieve our objective or not. तो एक तो हम ये बता सकते हैं कि planning is forward looking, controlling is backward looking. Second point, planning is backward looking, controlling is forward looking. Planning कैसे backward looking है? क्योंकि जब अब हम planning, नई planning करेंगे तो हम पीछे देखेंगे कि पीछे जो हमने targets बनाए थे क्या वो achieve हुए हैं या नहीं. तो planning जो है that is also backward. और कंट्रोलिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड क्योंकि कंट्रोलिंग के बेसिस पे ही आगे चल के हम नए प्लान्स बनाएंगे. तो कंट्रोलिंग जो है वो फॉरवर्ड भी है. तो हम एक तरीके से कह सकते हैं प्लानिंग इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. सिमिलरली कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड. नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग, प्लानिंग इज ब्लाइंड विदाउट कंट्रोलिंग. यस और नो? प्लानिंग इज ब्लाइंड विदाउट कंट्रोलिंग. अगर कंट्रोलिंग ही नहीं करेंगे तो प्लानिंग जो है वो एक तरीके से ब्लाइंड है. आप कुछ भी टारगेट सेट कर लीजिए 200, 300, लेकिन अगर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस ही चेक नहीं करेंगे तो व्हाट इज द नीड ऑफ प्लानिंग? तो प्लानिंग इज ब्लाइंड विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज यूजलेस विदाउट प्लानिंग. अब सपोज आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं लेकिन आपने प्लान्स ही नहीं बनाए तो ऐसी कंट्रोलिंग का भी कोई फायदा नहीं है. So in this relationship, we have to mention 4 to 5 points which shows the relationship between planning and control. And the lastly, we can discuss the importance of controlling. कि controlling के फायदे क्या हैं? Controlling क्यों की जाती है? Controlling करने के क्या benefit हैं? Controlling का जो benefit है वो क्या है? देखिए controlling से हमें ये पता लगता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं प्लानिंग के टाइम्स वो सही है या नहीं है. सपोज आपने सब काम बिल्कुल ठीक से कंट्रोल किया बट यू आर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट, सो देयर कैन बी प्रॉब्लम इन प्लानिंग ऑल्सो. तो कंट्रोलिंग फंक्शन ही हमें ये बताता है कि इज देयर एनी लूप इन प्लानिंग फंक्शन. तो कंट्रोलिंग जो है वो हमें बताता है कि जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे वो सही थे या नहीं. कंट्रोलिंग जो है इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. कंट्रोलिंग की वजह से ही हम फाइनली अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करते हैं, डेविएशंस निकालते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं. तो कंट्रोलिंग अगर प्रॉपर हो तो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स इजीली अचीव हो जाते हैं. एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग में हम अपनी एक एक रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करते हैं जिससे कि फाइनली आउटपुट जो है वो अचीव हो जाए. कंट्रोलिंग से हम एम्प्लॉय को मोटिवेट भी कर रहे हैं. जो एम्प्लॉय कंट्रोलिंग फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करते हैं वी कैन गिव देम रिवॉर्ड्स आल्सो. सो इन दिस वे जो कंट्रोलिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. आप देखते हैं ना कि जब हम रोड पे निकलते हैं तो रेड लाइट लगी होती है, तो रेड लाइट भी एक कंट्रोलिंग का ही तरीका है. ठीक है, जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स है दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग. तो इसी तरह अगर कंपनी में भी कंट्रोलिंग ठीक से चले तो कंपनी में भी ठीक से कंट्रोलिंग की वजह से ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है. तो ये आज हमने जो डिस्कस किया ये हमारी टोटल हमने 4 चैप्टर्स डिस्कस किए जिसमें से चैप्टर नंबर 6, 7 and 8 इनकी वेटेज थी 20 मार्क्स. और हमने जो चैप्टर नंबर 5 डिस्कस किया वो प्लानिंग के साथ था तो इसको हम 6 to 7 मार्क्स का ये भी आएगा. तो अप्रॉक्सीमेटली 27 मार्क्स आप इन यूनिट से स्कोर कर सकते हैं
but these are very simple units. I hope आपको ये topic clear हुए होंगे और if you have any doubt then you can ask your query. Pramod sir. So this was about the session जिसमें आज हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए. हेलो हेलो यस सर द सेशन इज ओवर. आई हैव कवर्ड ऑल द फोर चैप्टर्स. ओके सो इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेरी देन थैंक यू मैम. देयर इज नो क्वेरी. ओके थैंक यू लर्नर्स.